को? देखिए राजीव जी, केवल तेलंगाना का चुनाव बाकी है और तेलंगाना में बीजेपी है ही नहीं। और राहुल गांधी जिस बात को कह रहे हैं, मैं और पहले से आपसे कह रहा हूं कि वहां बीजेपी गेम जो खेल रही है कि कैसे कांग्रेस को रोका जाए, और उसके लिए वो केसीआर की मदद कर रहे हैं। अब बाकी इन तीन, मिजोरम में भी नहीं थी, तीन राज्यों में बीजेपी बनाम कांग्रेस पार्टी का मुकाबला था। लेकिन इन तीनों राज्यों में जो स्थिति है आज की तारीख में बीजेपी की, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उनके हाथ से निकलते हुए दिख रहा है, जो वहां से रिपोर्ट आ रही है, और कैंपेन के समय ही वो चीजें दिख रही थी। राजस्थान में सबसे ज्यादा उम्मीदें थी बीजेपी को, लेकिन मोदी जी ने वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे करके अपनी पूरी पूरी इमेज झोंक दी। और राजस्थान का चुनाव अशोक गहलोत की स्कीम्स बनाम मोदी जी का जो अपना मुखड़ा है उस पर चला गया जी। और हुआ क्या कि अभी जो शकील साहब बात कर रहे थे, अशोक गहलोत की चिरंजीवी योजना गेम चेंजर साबित हो रही राजस्थान में। और इसके अलावा 500 रुपए का सिलेंडर मिला वहां लोगों को। बीजेपी अभी उसने कहा कि हम 450 का देंगे, खैर वो भूल गए कि कांग्रेस पार्टी ने बाद में 400 की बात की। लेकिन बीजेपी उत्तर प्रदेश में नहीं दे रही है ये सब, उत्तराखंड में भी नहीं, हरियाणा में भी नहीं, यानी जहां जहां आपकी सरकार है वहां आप 500 रुपए 450 रुपए में नहीं दे रहे। तो लोग समझ रहे हैं कि आप जुमलेबाजी कर रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं। और आज जिस तरह से लोग निकल करके राजस्थान में आए, तो वो इस बात का सबूत है कि वहां जो कांग्रेस थोड़ा सा पिछड़ती हुई दिख रही थी, लोग उसको बचाने के लिए आ गए कि अगर मोदी जी की सरकार आ गई तो ये ओपीएस भी ले डूबेंगे, ये मेडिकल फैसिलिटीज भी ले डूबेंगे, ये तो गैस सिलेंडर वाला भी लेकर के डूबेंगे, तो हमको वो नहीं ले जाना है। और राजस्थान के मतदाता बेहद जागरूक है राजीव जी, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश से अगर आप तुलना करें या मध्य प्रदेश से तुलना करें तो राजस्थान के लोग ज्यादा मुझे जागरूक समझ में आते हैं। हर 5 साल के बाद वो चेंज करते रहे, लेकिन दबाव उनका इतना रहा है कि सरकारों ने वहां काम किया। और आज अगर उन्हें अशोक गहलोत की नीतियां पसंद आ रही हैं, राहुल गांधी एक विश्वसनीय राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर रहे हैं, तो लोग जिस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं उनके साथ, और राहुल गांधी की आवाज पर लोगों ने जिस तरह से जोश प्रकट किया, वो जो मोदी जी का वो फिल्म आई थी बालाकोट को लेकर के, हाउ इज द जोश, यहां तो राहुल जी को कहना नहीं पड़ रहा था, लोग पूछ रहे थे, लोग बता रहे थे कि वो पनौती ने सब गड़बड़ कर दिया, राहुल जी ने उसमें हां में हां मिलाई, अच्छा हां वही ले डूबा। तो राजस्थान में भी मुझे लगता है कि अब गई भैंस पानी में। और इसके बाद जो आपको तस्वीर दिखाई देगी 2024 की, और इसको वैसे भी सेमीफाइनल कहा जा रहा है, यहीं से आप देखिएगा कि 2024 की वो तस्वीर साफ होने लगेगी कि मोदी जी के पास अब कोई एजेंडा नहीं है। बीजेपी आरएसएस एजेंडा तलाश रही कहीं से मिल जाए, लेकिन जब मोदी जी का मैजिक खत्म हो गया, मोदी जी का जो ब्रांड छवि थी वो दरक गई, और लोग ये मानने लगे कि वो जुमलेबाज ही नहीं है, वो राजस्थान के लोगों की भाषा में कहें तो वो पनौती भी है। जहां जहां जाते हैं वही बीजेपी के लिए भी पनौती हो गए। हिमाचल में हराया, कर्नाटक में हराया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो रिजल्ट आएगा वो आप देखेंगे। तो अब मोदी जी तेजस के जरिए हवा में से कोई लाना चाहते हैं कि कोई मिल जाए एजेंडा उनको, लेकिन राजनीति तो जमीन पे होती है, हवा में एजेंडा नहीं आता। वो अगर सतपाल मलिक की हम शब्दों में कहें तो वो उनकी किस्मत से पुलवामा हुआ था, जिसमें 30 सीआरपीएफ के जवानों की शहादत हुई थी, और मोदी जी ने कहा कि चुप रहना है, और फिर नेशनलिज्म का वो पूरा तांडव खड़ा करके 2019 का चुनाव जीता गया। लेकिन राहुल गांधी ने तो उनको कहीं का नहीं छोड़ा राजीव जी, जो भारत माता की जय के नारे लगाते थे ना,
और उत्तेजना पैदा करते थे लोगों के भीतर, बेवजह की भावुकता पैदा करते थे। पूछ लिया राहुल गांधी ने कि क्या है भारत माता, अगर भारत माता में वो ओबीसी है तो फिर उसके लिए थोड़ा उसकी गणना ही कर दीजिए, बता दीजिए। अब भारत माता की जय, और इन लोगों ने क्या क्या किया है, आपको याद होगा कि जो रेपिस्ट थे उन रेपिस्टों का भी समर्थन इन्होंने भारत माता की जय किनारे के साथ किया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये भारत माता की जय का नारा हो, चाहे तिरंगा हो, चाहे संविधान हो, इनको इन सबसे बैर रहा है और ये उनको कलंकित करना चाहते हैं। इसीलिए आप तिरंगे को कहीं भी ले जाएंगे, रेपिस्टों के समर्थन में ले जाएंगे। लेकिन अब इस देश का जनमानस राहुल गांधी के उस पूरे, राहुल गांधी केवल व्यवहारिक राजनीति नहीं कर रहे, वैचारिक राजनीति भी कर रहे, बता रहे कि असल में देश होने का मतलब क्या है, भारत माता के नारे का मतलब क्या है, संविधान की रक्षा क्यों करनी है, लोकतंत्र में उन संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की जरूरत क्यों है, पत्रकारिता क्यों आज रसातल में चली गई, क्यों उसने घुटने टेक दिए और उसके परिणाम क्या हो रहा है, ये भी राहुल गांधी बता रहे हैं। तो जिसको हम पॉलिटिकल एजुकेशन कहते हैं, कल तो संविधान दिवस है और राहुल गांधी मुझे लगता है कि संविधान दिवस के मर्म को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, मोदी जी केवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस धंधे को, इस पॉलिटिकल धंधे को लोग समझ चुके हैं और इसीलिए अब हर राज्य से मोदी जी को जो रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, जो सुनने को मिल रहे हैं, वो उनके लिए मुश्किल में डालने वाले। जी राजू जी, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने किया, कैसे देखा जाए। एक अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी जिसका वो बड़ा मशहूर डायलॉग था कि मेरे पास माँ है, प्रियंका और राहुल गांधी के पास एक माँ है और वो माँ है जिसने इस देश के गरीब बच्चों के लिए, उसी एनएसी की बात मैं कर रहा हूं, फ्री एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, उन्हीं के सलाहकार परिषद के सलाह पर यूपीए गवर्नमेंट ने लागू किया। राइट टू फूड, जिसे आज मोदी जी प्रचारित करते हैं कि हम 81 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, ये अधिकार किसने दिया था, उसी सलाहकार परिषद की सलाह पर यूपीए 2 ने दिया था। राइट टू इंफॉर्मेशन, सरकार को उत्तरदायी बनाना, प्रशासन को उत्तरदायी बनाना जनता के प्रति और जनता को नागरिक में तब्दील कर देना, उसे आत्मबोध पैदा करना, ये काम किसने किया था, उसी एनएसी के द्वारा यूपीए सरकार ने। वन अधिकार कानून, जो आदिवासियों का बहुत लंबे समय से लंबित अधिकार था उनका, वो सुनिश्चित हुआ इसी एनएसए के जरिए यूपीए सरकार में। और एक और, मनरेगा किस समय आया, इसी एनएसए के सलाह पर यूपीए सरकार के द्वारा। तो जो लोग सोनिया गांधी के लिए कहते थे कि वो दूसरा पावर सेंटर है, मनमोहन सिंह रबर स्टैंप है, लेकिन वो ये नहीं कहते कि अगर सोनिया गांधी सरकार चला रही थी तो इसका श्रेय उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए। वो कहते हैं कभी क्या कि सोनिया गांधी की वजह से राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, मनरेगा, ये तमाम उपलब्धियां इस देश के लोगों को मिली। ये जो पूरा दुष्प्रचार है, और आरएसएस को तो राजीव जी मधु लिमे कहा करते थे कि र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी है, इनको केवल र्यूमर पैदा करना। और राहुल गांधी के लिए क्या क्या नहीं कहा गया, उसमें उनके नाम तक को बिगाड़ करके पेश किया गया, उनके धर्म पर सवाल और चरित्र पर भी सवाल उठाए गए। लेकिन जब लोग देखते हैं सच्चाई को और ईमानदारी को, सच्चाई कुछ समय तक छिप सकती है, वो एक बहुत शानदार लोग उदाहरण देते हैं कि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। आज वो सच्चाई अगर लोगों की आंखों में दिखाई पड़ रही है, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये सुषमा स्वराज को याद करती दिवंगत हो गई हैं, वो पूरे भारतीय जनता पार्टी की वो मंडली
इसमें नाच हो रहा था कि सोनिया गांधी विदेशी मूल की हैं, लेकिन वो विदेशी मूल की महिला, उन्होंने क्या संस्कार दिए अपने बच्चों को, मैं एक उदाहरण आपके सामने रख दे रहा हूं। अब मुझे याद नहीं है कि वो चुनाव कौन सा था, लेकिन दिल्ली में प्रियंका गांधी लाइन में लगी हुई थी वोट डालने के लिए, और उनके पीछे खड़ी हुई एक बुजुर्ग महिला को उन्होंने आगे कर दिया कि माता जी आप पहले वोट डाल लो। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपने इनको पहले आगे क्यों लगा दिया, प्रियंका गांधी ने जवाब दिया कि बुजुर्गों का सम्मान करना हमारा संस्कार है और ये मेरी मां ने सिखाया है। ये तमाचा था उन आरएसएस के पाखंडियों पर। इनका संस्कार क्या है, ये कई वीडियो आ चुके हैं राजीव जी, जी आपने ना देखे हो तो देख लीजिए, कहीं मिल जाएंगे आपको। इनकी असलियत क्या है, लोगों ने देखी है। और वो आज क्या कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र को बनाना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को मैं याद करना चाहता हूं फिर संविधान दिवस की उस सांध बेला पर, कि जिन्होंने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया था और दलितों को खास करके बता दिया था कि अगर कभी हिंदू राष्ट्र होता है तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी आपदा साबित होगा। और यही वजह है कि आज दलित वंचित समाज इस पूरे विचार के खिलाफ सड़क पर है। और खुशी इस बात की है कि उसके लिए राहुल गांधी लीडरशिप दे रहे हैं, पूरा नेतृत्व कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि राहुल गांधी अंबेडकरी तेवर के साथ नेहरू के स्वप्न को साकार करने के लिए आज तैयार है, और वो व्यक्ति है जो बहुजन की राजनीति कर रहा है लेकिन गांधी के रास्ते से। तो चाहे उसमें राहुल गांधी हो या उनकी मां सोनिया गांधी हो, और मैंने जो कहा कि उन करोड़ों बच्चों के लिए वो मां साबित हुई जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी, जिन्हें मजदूरी नहीं मिल रही थी, उनके लिए भी वो उसी तरह से ममतामयी साबित हुई। तो इसलिए सोनिया गांधी पर सवाल उठाने वाले जरा कभी आईना झाड़ पहुंच करके अगर दुरुस्त कर लें तो कमबख्तों को बड़ी भद्दी शक्ल अपनी नजर आएगी। जिस तरह की उनकी विचार है, जिस तरह की उनकी नियत है, उस नियत को अब लोग समझ गए हैं राजीव जी। और मुझे तो कई बार उनके बारे में बात करते हुए भी घिन आती है, लेकिन कहना पड़ता है। जी राजीव जी, जी बिल्कुल कहना चाहिए, भी कहना चाहिए, बोलने का अधिकार भी हमारे संविधान ने दिया।